ओ गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू भाई केडी व्लॉग्स। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 8:17, ठीक है, एंड धूप हो गई है भाई सुबह सुबह। तो भाई निकल रहे हैं अपनी शिफ्ट के लिए। गाड़ी की चाबी ली नहीं है क्योंकि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारा फ़ोन ही हमारी चाबी है, ठीक है। तो भाई जय हरियाणा। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी एक खड़ी है लांट्रा यहाँ पे, एक अपनी टेस्ला उधर खड़ी है, और फिर आप सोच रहे हो जय हरियाणा क्यों कर रहा है। ये देखो भाई, ठीक है। तो भाई निकल रहे अपनी सवारी में, इसमें जा रहे आज बिकॉज लॉन्ग ट्रेवल है भाई, तो इसलिए ली थी भाई ये, ठीक है। और भाई ये अपना हाउस। तो भाई बढ़िया मौसम है भाई, क्या बात है। यश भाई जा रहा है, अब यश भी भाई जा रहा है, तो भाई चल रहे हैं। गेटिंग लेट, 8:17 ऑलरेडी हो चुके हैं, 9 बजे अपनी शिफ्ट है। चलो लेट्स गो एंड आई एम लीविंग। अब आपसे सीधा पहुंच के बात करते थे ना, आप रस्ते में नज़ारों के मजे लो। तो भाई क्या कहानी है आज। सोच रहे हो भाई इतने दिनों दिनों में व्लॉग बना रहे हो, भाई बहुत धूप आ गया रात तो 8 बजे। तो भाई सिस्टम पता है क्या है आज का। आज का सिस्टम ये है कि भाई आई वाज स्लीपिंग, सुबह 6 बजे मेरी जॉब से कॉल आता है कि भाई आज जल्दी शुरू करना है। यूजुअली मैं 10:30 बजे शुरू करता हूँ, बट आज भाई 9 बजे ही करना है। तो बड़ी यार अच्छी बात है, अपना जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं। जिसमें मैं उठ गया भाई, नहा धो लिया, ब्रश वश कर ली, थोड़ी आज दाढ़ी भी काटी वाटी है, थोड़ी शेप करी भाई, अच्छा लग रहा है पहले से। और बस इतना ही कि अब तक तो उठ के, और फिर अब भाई जा रहा हूँ शिफ्ट पे, ठीक है। तो अभी निकल लेते हैं भाई अपने घर से। भाई खर्चा तो वो रखा बहुत ज़्यादा, खर्चा पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक नई अपडेट है, एक और जॉब पकड़ लिया भाई मैंने। उसका जॉब लोकेशन है भाई डाउनटाउन कनाडा प्लेस के बिल्कुल 1 मिनट दूर है भाई। क्या क्राउड आता है वहाँ पे, मज़ेदार, तो आपको वो भी दिखाऊंगा। आज मंडे आई गेस, एक सेकंड भाई, मैं तो यार ये भी ध्यान में नहीं है। हाँ आज है भाई संडे, आपका हो गया मंडे, ठीक है। तो ट्यूसडे को जाना है वहाँ पे दोबारा से, एंड आई गेस लगातार है फुल टाइम जॉब है वो भी भाई 40 घंटे। तो अभी संडे वनडे की छुट्टी है मेरी, तो ट्यूसडे को जाऊंगा, फिर आपको वो भी दिखाऊंगा भाई क्या सिस्टम है वहाँ पे, क्या सिस्टम। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। देखो पे तो ऑब्वियसली हाई तो करनी पड़ती है भाई, कमाना खर्चा तो बहुत हो गया यार। अभी कॉलेज का भी सीन करा है थोड़ा सा, टाइम आने पे आपको सारी चीज़ बताऊंगा। बिकॉज मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी की फ़ीस बताऊँ मैंने कितनी क्या भरी है अभी। 12,780 डॉलर एक जगह, फिर मैंने भरे हैं भाई कितने भरे थे, 3,500 एक जगह, फिर मैंने भरे हैं भाई 5,000 एक जगह। कितने हो गए भाई देख लो। तो भाई अब बहुत कम अमाउंट बच गया भाई बैंक में, भाई सारा सिस्टम ही लगा दिया मैंने, ठीक है, इधर उधर। और भाई अब दोबारा से फीस आ गई है, अभी नहीं अभी तो भर दिया, पर हाँ अभी कमिंग टाइम पे आ जाएगी, ठीक है। तो कमिंग टाइम का मतलब क्या है भाई, पहले मैं वर्क डाल दो, कितना टाइम लगा मेरे को, कहीं मैं यहाँ पे बात करता रह जाऊँ और मैं लेट हो जाऊँ। हाँ चलो ठीक है, 40 पे पहुँचेंगे। तो भाई सिस्टम क्या है मेरा, कमिंग टाइम में यानी कि जनवरी में भाई मेरी फीस आ जाएगी दोबारा से, यश की भी फीस है। तो भाई सारा उस टाइम का भी हमें जोड़ना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, वो सारा सीन है। तो दैट्स वाई टाइमली निकल लेते हैं, और भाई थोड़ा सा मेहनत अभी, थोड़ी डबल शिफ्टें लगाएंगे, ट्रिपल लगाएंगे जितना हो पाएगा, क्योंकि भाई डिलीवरी विलीवरी कर रहे हैं, बढ़िया सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो आई विल कीप ऑन मेकिंग ब्लॉग्स ऑल्सो, थोड़े दिन क्या परमानेंटली बनाने के सोच रहे हैं यार। मैं हर बार सोचता हूँ पर हर बार कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, बट होपफुली फिंगर्स क्रॉस दिस टाइम लेट्स कीप ऑन वर्किंग, ठीक है। जो भी मेरे रोज की स्केड्यूल है उसी में फंसा देता है भाई, 10 मिनट का वीडियो बना दो, मैंने यही सोचा है, बट बनाना जरूर है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी आई मीन, ठीक है। तो बस इसी की शुरुआत कर देते भाई, काम पे निकल लेते, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट नाउ, 8:59 पे पहुंचूंगा, ठीक है। तो सी यू गाइज वेरी वेरी सून, बाय बाय। तो इसी के साथ भाई निकल चुके हैं अपने SFP के शिफ्ट से। आपको दिखाता हूँ भाई मैं कहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है, अभी तो ऑफ हो गया हूँ, बाकी अब मेरे को कवर करेगा अली, तो आई विल शो एज वेल, तो भाई दिखाता हूँ आपको कहाँ पे वो। देखो उधर ही जाने लग रहा है फिलहाल, वो गाने वाने एडजस्ट कर रहा है, एंड दिस इज माई स्टेशन वेयर आई वर्क, दिस इज नोन एज द हॉट प्लेट, ठीक है, एंड इधर हम बुकिंग करते हैं। देख लो अली आ गया वहाँ से, अब गाने वाने बढ़ा के अब इन्जॉयमेंट करेगा गानों के साथ। भाई यहाँ पे हम कुकिंग करते हैं, इधर अपने सारे वो वेजीज और भाई ये मीट देते हैं, चिकन एंड बीफ, एंड देन वी लाइक कुक इट अप हियर,
थाली की जगह मैं काम करता हूँ एंड दिस इज आवर डाइनिंग हॉल। तो अगर आप SFU में हो, SFU में पढ़ रहे हो तो प्लीज़ कम अराउंड। तो ये सबसे लाइक वहाँ से एंट्री होते हैं घुसते सबसे पहला स्टेशन हमारा ही होता है। तो दिस इज हाउ आवर डाइनिंग हॉल लुक्स। दैट्स इट, निकलते हैं यहाँ से और फिर बस। अब तो अब भाई उस टाइम पे ब्लॉग नहीं आया था, रास्ते के नज़ारे नहीं दिखा पाए थे क्योंकि लेट हो रहा था। फिर मम्मी का कॉल आ गया, मम्मी से बात करने लग गया। बाकी हाँ अभी चलते बाद दिखाता हूँ आपको सारे नज़ारे, ठीक है? तो स्टे अवेटेड और बैठते हैं अपनी गाड़ी में। तो भाई वो एज़ यूजुअल गाड़ी कर दी है यहाँ पे मैंने खड़ी और भाई ये आ गया अपना घर। तो भाई सिस्टम क्या है, सीन सारा समझ लो क्या चक्कर है। तो भाई बेसिकली रास्ते में भाई वीडियो बनानी थी मेरे को यार, ऑब्वियसली बनानी थी, बट भाई बना क्यों नहीं पाया उसका रीज़न ये था भाई, मेरे को पूरा रास्ता दिखाना था। बट भाई आप आपको पता गाड़ी चलाते तो लाइक पुलिस वुलिस का सीन होता भाई, फ़ोन अलाउड नहीं है। बट आई वॉन्टेड टू, मैंने कोशिश करी थी, वीडियो बनाई थी, बट वो भाई सारी की सारी ख़राब होगी जस्ट बिकॉज मेरे को क्या कहते हैं वो आ गए थे भाई पुलिस वाले साइड में खड़े थे, तो मैंने वो फ़ोन वोन नीचे करा तो सारी वीडियो ख़राब होगी। शुरुआत में हो गया था, फिर मैंने सोचा यार छोड़ रिस्क मत लेते हैं, फालतू में भाई रिकॉर्ड में आएगा कि भाई गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन यूज़ कर रहा था ये सब। तो इससे बढ़िया कोई नहीं, जब कोई साथ होगा तो वीडियो बनाएंगे रास्ते की। बाकी देख लो कितनी सुंदर लगती है अपनी गाड़ी, ठीक है? तो अब प्लान सुन लो भाई, अब करना क्या हमें, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई। टाइम ऑलरेडी हो चुका है 6:50, ठीक है? तो अभी हमें जाना है अंदर, अभी मैं जाके भाई थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होऊंगा, फिर उसके बाद नहाना धोना एज़ यूजुअल, क्योंकि भाई पसीने आ जाते हैं भाई जॉब पे काम करते हुए। देन उसके बाद मेरा प्लान है क्या कहते हैं थोड़ा गुरुद्वारा चलते भाई, मत्था टेकेंगे, लंगर सकेंगे, आपको दिखाऊंगा भाई आज का क्या कुछ मिलता है हमें खाने को वहाँ पे, ठीक है? एंड उसके बाद मेरे को भाई करने हैं थोड़ी बहुत डिलीवरीज, सो पॉसिबली आई विल बी डूइंग DoorDash, ठीक है? और नहीं तो थोड़ा बहुत ऊबर भी करके देखते हैं, ऊबर हीट्स, ठीक है? प्रॉपर ऊबर ड्राइवर वाला काम नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए मैं चाहिए Class 4 लाइसेंस एंड आई हैव Class 5, ठीक है? तो वी आई एम नॉट देखो, बट हाँ मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने Class 4 के लिए अप्लाई कर दिया, तो बहुत जल्द वो वाला भी सिस्टम हो जाएगा। Class 4 देखो, Class 5 होता है फुल लाइसेंस, यहाँ पे BC में बता रहा हूँ, ब्रिटिश कोलम्बिया में, और Class 4 होता है हमारा कमर्शियल लाइसेंस। कमर्शियल में अलग अलग क्लासेज होते हैं, 4, 3, 2, 1। 1 होता है ट्रकों के लिए, 2 होता है यहाँ पे जो बसेस चलती है उसके लिए, फिर अपना 3 आता है भाई नॉर्मल क्या होता है जो बड़े ट्रक की जगह जो मिनी ट्रक्स होते हैं उनके लिए, और फिर Class 4 आता है भाई टैक्सीज के लिए। तो टैक्सी होगी एक तरीके से ऊपर, तो हम कर रहे हैं Class 4, ठीक है? बाकी भाई आज मैंने देखा इन्होंने भाई कुछ उगा रखा है, कि टमाटर हैं या फिर भाई वो क्या होता है रेड पेपर्स है ग्रीन पेपर्स है पता नहीं क्या भाई, आप लोग देखना कमेंट में मेरे को बताना। लेट मी शो टू यू गाइस, ये देख लो इन्होंने क्या हुआ रखा है। हेलो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप गैस करके बताओ भाई ये क्या है। मेरे को अब यू सोचो भाई ये बड़े बड़े दिख रहे पेपर्स ही हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर क्या है। और देखो उधर भाई फूल वूल भी हुआ इन्होंने, अच्छी बात है, सुंदर है। इनकी भी गाड़ी भाई चार्जिंग वाले और चार्ज वर्ज करते हैं ये। और भाई ये गाड़ियाँ जो हमारे लैंडलॉर्ड की है भाई, वो उनका घर है, ये हमारा घर है, तो भी उनको बोलूँगा भाई दो गाड़ी लगा रखी है। असल में भाई पता है इनका सीन क्या होता है, एक ये गाड़ी है अंकल की, ठीक है? वो गाड़ी वो गाड़ी अब अंकल ने ले ली, ये अपने बच्चों को दे दी, ठीक है? तो अंकल ने अपने हिसाब से एक गाड़ी लगा रखी है, ये इनके बच्चे भाई ऐसे हैं शैतान भाई, जिद्दी कुछ भी बोल लो ये भाई आके लगा देते हैं। अब उनको बोलूँ अंकल, उनको डांटते हैं, फिर वो हटा के लेके जाते हैं, फिर मैं अपनी उधर लगा दूंगा। बाकी मेरे को अभी टेम्परेरी लगानी क्योंकि मेरे को डिलीवरी वगैरह करनी थी, तो इसलिए मैंने अपनी बोला ही नहीं इनको, अपनी साइड में लगा दी आराम से, भाई बाद में छेड़ेंगे, ठीक है? तो बस फिर अब मैं एक बार चलते भाई अंदर और फिर आपसे बाद में मिलते हैं, लेट्स गो। हाँ भाई वो एक चीज़ और भाई, घर में थोड़ा काम शुरू हो गया है, ठीक है? आके देख लिया उन्हें, पेट वेट कट गए होंगे ये सब सारी चीज़ें भाई, ये ब्लैक ब्लैक जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है? और ये देख लो भाई पीछे ये सारा सिस्टम सारा वो मशीन है और ये सब भाई पीछे ये इसको वो पक्का कर रहे हैं। तो भाई वो रोड़ी वोड़ी पड़ी से फिर यहाँ पे भी गाड़ियाँ पार्क होने लग जाएगी, तो फिर हमारे लिए आसान रहेगा, हम फिर गाड़ी अंदर ही लगाया करेंगे, ठीक है? तो ये बात है, मिलते हैं भाई थोड़ी देर में जब निकलूंगा मैं गुरुद्वारा। ये हमारा भाई गुरुद्वारा खालसा दीवान सोसाइटी, तो भाई इधर जा रहे हैं, अब मत्था टेकेंगे सबसे पहले और फिर उसके बाद हमें नीचे जाएंगे भाई लंगर छकने, भाई खालसा दीवान सोसाइटी वैनकूवर कनाडा, लेट्स गो इन। आपको आवाज़ तो आ रही होगी भाई, पता नहीं यार क्या चल रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है मूवी वूवी चल रही है, ठीक है? कोई आइडिया नहीं है, जो भी है देखते भाई, नीचे ही हो रहा है जो लंगर वाली साइड, तो भाई पहले मत्था टेकूंगा और फिर देखते भाई क्या हो रहा है।
पर जो भी है कुछ धार्मिक ही हो रहा होगा। आवाज सुनना, लेट्स गो। ये वो वीडियो जो मैं आपको बता रहा, कुछ तो चल रहा है भाई, एक रिहर्सल था चल रहा है। This is what I got भाई, ठीक है। ये है हमारी दो रोटी और फिर चाय और भाई फिर पनीर की सब्जी आज। और भाई मैं एक स्पेशल डे, तो भाई खीर बनाई इन्होंने, दाल है और थोड़ा सा रायता लिया है। ये थोड़ा सा भाई इंडिया के हिसाब से देखोगे तो ऑड है। टाइम होगा भाई 8:01, ये कह रहा है रांची आई है, थोड़ा छेड़ देते हैं। हाँ तो भाई 8 बज गए हैं, ठीक है। और भाई वो चक्कर क्या चल रहा है भाई पीछे, वो कह रहा है भाई वो औरंगजेब वाले उस टाइम की कोई कहानी चल रही है, ठीक है। तो बाकी अब थोड़ी देर जब हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा जान कर तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट हाँ अभी फ़िलहाल बस इतने बता सकता हूँ, ठीक है। तो अभी खाना खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते बाद में। पता चल गया, अब कन्फर्मेशन हो गई थी, तो भाई गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर जो है पूरी उनकी कथा चल रही है नीचे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत हमने वो देखी, फिर आपको मैंने दिखाया हमने क्या कुछ खाया भाई। रात हो गई, अब देख लो, ठीक है। अब निकल रहे हैं, डिलीवरी करूँगा यहीं से ही, ठीक है। कुणाल को छोड़ दूँ अपने साथ घर पे और फिर यहाँ से फिर डिलीवरी शुरू। तो बस दैट सेट। तो भाई अब डिलीवरी के टाइम पर आपको होता भाई व्लॉग बनाने का टाइम नहीं होता, बिकॉज जितनी जल्दी डिलीवरी करते हो उतना बढ़िया आपकी इनकम का स्रोत बनता है। लेकिन ना एवरेज निकलते हो कि एक घंटे में आप कितनी निपटा पाते हो। अब ब्लॉग बनाऊंगा तो भाई सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, कर देते भाई इस गुरुद्वारा के सामने इस वीडियो को ख़त्म। तो भाई ये अपना कुणाल भाई है जो आपको दिखा रहा था, इसको छोड़ देंगे अभी या चलना है तेरे को, अब डिलीवरी कर रहे देखते हैं, ठीक है। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आप वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।